सरकार के आदेश के तहत शिक्षा विभाग द्वारा छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मिडिल स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम रही। इस दौरान महज 10% तक विद्यार्थी ही स्कूल में पहुंचे। स्कूलों में पहुंचने वाले विद्यार्थियों की सबसे पहले तापमान की जाँच की गयी। इसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया, जिसके बाद उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया गया। विभाग के नियमों के तहत इस बार शिक्षकों को विद्यार्थियों का तापमान भी जांच करने के बाद अफसर ऐप पे इसकी जानकारी देनी होगी। यदि किसी विद्यार्थी का तापमान अधिक मिलता है तो उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति पत्र लेना अनिवार्य होगा। बता दें कि सरकार के आदेशों के तहत अब छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर उचित प्रबंध किए गए हैं, जिसके तहत सभी स्कूल मुखियाओं को कोरोना महामारी को लेकर जारी सभी हिदायतों का पालन करना अनिवार्य होगा। मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे आज स्कूल आके बहुत अच्छा लगा। मेरा मन घर पे लग नहीं रहा था, घर पे अकेला अकेला फील हो रहा था, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी। स्कूल में अलग पर्यावरण है और पढ़ाई भी अच्छे से होती है। स्कूल में सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। फ़ोन पे कभी कभी हमें समझ में नहीं आता था क्वेश्चंस, तो अब यहाँ पे समझ में आएंगे। पढ़ाई से अच्छे से चलेगी। सर, जैसे कि विभाग के आदेश हैं और सरकार की तरफ से भी, पहले अप्रैल में लास्ट बार बच्चे स्कूल में आए थे, उनके एग्ज़ाम लेकर हमने उनको फ्री कर दिया था। उसके बाद जैसे विभाग के आदेश आए, सरकार के आदेश आए, अब उसके बाद 6 महीने बाद लगभग स्कूल खुल रहे हैं। अब जैसे कि विभाग के आदेश थे कि बच्चों को सहमति पत्र लेकर स्कूल में अलाउ करना है, तो आज हमारे स्कूल में जैसे छठी से आठवीं तक के हैं, टोटल जो संख्या है वो 132 बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन आज बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं। लगभग 19% यानी कि 26 से 28 बच्चे आज स्कूल में पहुंचे हैं। हमने माँ बाप से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, लेकिन फिर भी कोरोना काल के तहत देखते हुए बच्चों में थोड़ा भय है, माँ बाप में भी थोड़ा भय है, लेकिन हमें फिर भी हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि बच्चों को स्कूल में भेजें ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके।